अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया कि हम लोग वे टू अजमेर के लिए निकल चुके हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हम लोग कैसे जाते हैं, हम लोग ये बहुत टाइम जा चुके हैं, अब हम लोग एक बार और जा रहे हैं। आयत का फर्स्ट टाइम है, आयत ने तो एक ज़िद लगानी थी कि मुझे मदीना जाना है, तो हम लोगों ने आयत को यही बोला कि हम लोग मदीना जा रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए ट्रेन वगैरह ले ली थी हम लोगों ने, एंड हम लोग घर से चाय बना कर लाते बिकॉज रास्ते की चाय हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, सो बस इसीलिए हम लोग घर से बना कर लेकर आते हैं इसमें थर्मास में भर कर। सो देखिए हम लोग चाय को एंजॉय करने लगे हैं। अभी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, सो फटाफट हम लोग अजमेर पहुँचेंगे और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी कैसा हम लोग इंजॉय करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रात हो चुकी थी, तो हम लोगों ने आयत को इस तरह से झोली बांधकर उसके अंदर सुला दिया था। बहुत एंजॉय कर रही थी वो झोली में भी। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे अजमेर स्टेशन पर। हम लोगों ने घर से ही रूम बुक कर लिया था स्टेशन में, होटल में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस हम लोग यहाँ से ऑटो लेकर अपने रूम की तरफ पहुँच जाएंगे। सो देखिए आयत यहाँ पर भी थोड़ा सा एंजॉय करने लगी। हर हमारी सारी फैमिली यहाँ पर उतर कर फ्रेश हो गए, उसके बाद हम लोग ऑटो की तरफ जाने लगे। अब हम लोग घर पर जाकर, फ्राइडे का दिन है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हमें काम करना था और जल्दी जल्दी पहुँचना था दरगाह के अंदर, बिकॉज़ दरगाह में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है और हमें प्लेस नहीं मिलती, बस इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी से निकलने लगे। ओके, हम लोग यहाँ पर रूम लेने के बाद, रूम तो हमारा बुक था ऑलरेडी, हम लोग यहाँ पर आए और अंदर फ्रेश वगैरह हो गए, नहा धोकर सब हर कोई फ्रेश हो गया, उसके बाद हम लोग दरगाह पर निकलने लगे हैं और आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाऊंगी। देखिए अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पर रूम था, तो हम लोग अभी उतर कर नीचे जा रहे हैं दरगाह की तरफ। फाइनली अब हम लोग दरगाह के अंदर पहुँच जाएंगे। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। ये देखिए दरगाह यहाँ से कितनी प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा सुकून लगता है। एक सुकून के लिए हम लोग 3 to 4 days ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ये हमेशा जब भी आते हैं स्टे करते हैं 3 to 4 days। सो देखिए हमारी फैमिली, आधे लोग चले गए थे दरगाह में बिकॉज जगह नहीं मिलती, इसीलिए फ्राइडे का दिन होता है तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है दरगाह के अंदर। सो बस अभी हम लोग फटाफट, ये 3 लोग रह गए थे तो हम लोग तीनों जा रहे हैं बहन लोग मेरी सिस्टर से। तो यहाँ पर इसके बेटों को टोपी लेना था, तो टोपी लेना है और अभी दरगाह के अंदर जाना है। आयत ने तो दरगाह में पहुँचते ही, मम्मा हमको भी स्कार्फ लगाओ, मम्मा हमको भी स्कार्फ लगाओ, मम्मा हम मदीना आ गए, बस उसका यही चालू था। मैं इससे बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। सो बस अब दरगाह में फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग चादर वगैरह लेंगे बिकॉज़ हम लोग फाइनली यहाँ पर हम लोग चादर नहीं चढ़ाते, बट यहाँ एक छोटा सी चादर बच्चों का दिल रखने के लिए छोटी सी ले लिया था हम लोगों ने, बिकॉज़ हम लोग यहाँ पर जो भी होता है तो डेग में डाल देते हैं। मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग जब आएगा, तो उसके अंदर भी मैं बहुत कुछ दिखाऊँगी। ये अकबर बादशाह की जगह थी जो मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ पर हमें बता रही थी कि यहाँ पर क्या हुआ था। सो हम लोगों को सब कुछ पता है और देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड है। फ्राइडे का दिन है तो क्राउड तो बनता ही है, सारे के सारे नमाज़ पढ़ने, नमाज़ें अदा करने के लिए यहीं पर आते हैं। और ये अंदर की साइड पर एक फूलों की शॉप थी, तो फूल मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, सो बस इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा वीडियो मैंने बना लिया। अब दरगाह के अंदर देखिए आप लोग, हम लोग दरगाह के अंदर नहीं जाते, जस्ट बाहर से ही दुआ वगैरह मांग लेते हैं, जो भी है हम लोग यहाँ से मांग लेते हैं, अंदर की तरफ जाना नहीं होता। और वैसे तो लेडीज, सो हम लोगों ने अब जहर की नमाज़ अदा करनी है, बस इसीलिए हम लोग अपने अपने प्लेस पर बैठ चुके थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तो आप लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। देखिए आयत को नींद आ रही थी, सफ़र की थकी हुई थी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।